कंपन वो ज्ञान है। ज्ञान का मतलब जैसे फ्लो बहे पानी की तरह। निष्पंदनम जहाँ चंचलता का अंत, निष्पंदन वो क्या है? वो ध्यान है। जैसे पानी, पानी बहता है और पानी का मान लो बर्फ बन गई। अच्छा पानी वो भी है लेकिन अब बह नहीं रहा है। ज्ञान पानी की तरह है, ध्यान बर्फ की तरह है जो रुक गया। तो ज्ञान का ही एक रूप, वो रूप है जो ध्यान बन गया। केवल ज्ञान में चंचलता है और जहाँ चंचलता का अंत है वहाँ ध्यान है। इसलिए ज्ञान और ध्यान साथ साथ चले। अब बात इतनी सी है कि पहले हो ध्यान, बाद में हो ज्ञान। और मेरा थोड़ा कॉन्सेप्ट अलग है। मैं सोचता हूँ जब यहाँ से चलें तो ध्यान के समापन करके चलें, ज्ञान के समापन नहीं। ध्यान करते हुए यहाँ से प्रस्थान करें। और इसलिए पहले थोड़ा सा आधा घंटा बोलना हो जाता है और फिर आधा घंटा फिर ध्यान, फिर आए, फिर बोलना, अंत में फिर ध्यान, फिर प्रस्थान। ये मेरा सोचना है, कोई ज़रूरी थोड़ी कि मैं सही सोच रहा हूँ। ये मैंने मान लिया है कि ऐसा सही है कह करके। यदि आप लोग चाहेंगे कि हम एक घंटा ध्यान करें, मुझे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, घंटा भर बैठा रहूँगा। आप लोग राजी हों बैठे? अरे नहीं नहीं, फेस रीडिंग वो पता चल जाएगा। इंतज़ार भी कर रहा हूँ, लोग आ रहे हैं। और एक दूसरी बात मन में था कि ध्यान का कॉन्सेप्ट तो क्लियर ही हो गया है। ध्यान में पहले हम क्या कर रहे हैं? मैंने कहा था ना, जागरूकता का विकास। हमारी जो बेहोशी है, काम करते हैं और हमारे मन में एक बेहोशी, बेहोशी मतलब मूर्छा की अवस्था। जैसे किसी को बर्तन मांजना है तो अब तो वो इतना वो चेतन मन की ज़रूरत नहीं है, वो अवचेतन मन, हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है ना, उसके अंदर हमारी सारी आदतें सब संग्रहित हैं और उस वो ऑटो प्ले वो करता है। तो हाथ से बर्तन मांज रहे हैं और मन लड़ाई झगड़ा कर रहा है, कुछ और कर रहा है कि नहीं है? गांव घूमने चला गया है, बाज़ार चला गया है। ये नहीं कि बर्तन साफ़ हो रहा है, बर्तन भी साफ़ हो रहा है, कपड़े भी धोए जा रहे हैं, घर की भी झाड़ू भी लग रही है, लेकिन मन कुछ और कर रहा है। गाड़ी आप चलाते हैं, अब फिर प्रवचने हो जाएगा। ये कितना मतलब, इस चीज़ को हम समझें कि गाड़ी जब चलाना पहले सीखे हैं, ऐसे थोड़ी सीख गए हैं। उसके भी चार स्तर होते हैं, चार स्तर। तो पहला स्तर है जो अवचेतन अयोग्यता, फिर चेतन अयोग्यता, फिर अवचेतन योग्यता, नहीं चेतन योग्यता, फिर अवचेतन योग्यता। अब ये सारे शब्द थोड़ा से उलझे हुए लगते हैं, लेकिन इसको समझें। एक छोटा बच्चा है, गाड़ी चलाते देखता है और उनको पता भी नहीं है कि छोटे बच्चे को कि गाड़ी चलाना चाहिए। इसको कहते हैं वह नहीं जानता कि वो नहीं जानता। मैं गाड़ी चलाना नहीं जानता, इस बात को भी वो नहीं जानता, छोटा बच्चा है ना। उसको पता ही नहीं है कि गाड़ी चलाने जैसी भी कोई चीज़ होती है। इसका मतलब अवचेतन भी है और अयोग्य भी है, अयोग्य भी है। दूसरी बात है, अब देख रहा है लोगों को गाड़ी चलाते हुए, गाड़ी चलाई जा रही है लेकिन अपने को छोटा पात रहा है। मैं अभी नहीं चला सकता, जान तो रहा है गाड़ी चलाते हैं लेकिन अभी मैं योग्य नहीं हूँ। तो चेतन जान रहा है लेकिन अयोग्य है अभी। आगे चल करके गाड़ी थोड़ा बड़ा हो गया, योग्य हो गया, अब चलाना सीख रहा है, लेकिन चलाते समय क्या होगा? चेतन योग्यता, मतलब वो बड़े कॉन्शियसली अर्थात बड़ी सजगता से चलाएंगे। आपको पता है ना, साइकिलें सीखे होंगे, पीछे कोई कैरियल पकड़ा, सामने देखो पकड़े हैं। अब कितना कंसंट्रेशन की ज़रूरत होती थी, एकदम एकाग्र। अच्छा, कोई वहाँ पर नमस्ते बोलते तो आप देखते हो साइकिल चलाते समय? कोई नहीं देखने वाला है, बस वो सामने देखो। कितनी मतलब वहाँ सचेतनता की ज़रूरत है। चाहे गाड़ी ड्राइव करो, फोर व्हीलर कोई सीखा होगा तो कितनी चेतनता की ज़रूरत होगी। कब गियर बदलना है, कब क्लच बदलना है, कब क्या करना है, कहीं ब्रेक की जगह कहीं ऐसा तो नहीं हो गया, क्लच बदली वो हो गया, कभी इसको दबाना है तो उसको दबा दिए, एक्सीडेंट हो जाता है। तो बहुत ध्यान देना पड़ता है, लेकिन करते करते इतना एक्सपर्ट हो गए, अब आपको मन से सोचना नहीं है। अवचेतन योग्यता, वो अब अवचेतन में चला गया, आपके कॉन्शियस माइंड, सब कॉन्शियस माइंड पे। अब वो ऑटो सिस्टम में आ गया। क्या ऑटो सिस्टम में आ गया? कब गियर बदलना है, कब बाएं मोड़ना है, कब ब्रेक मारना है, कब क्लच बदलना है, उसके लिए सोचना पड़ता है। वो कहता है भैया फर्स्ट गियर लगाओ या सेकंड गियर लगाओ, सोच करके नहीं ज़रूरत है, वो ऑटो हो गया, ऑटो सिस्टम हो गया। अभी कैसे होगा? एक क्रम से हुआ है। तो हम जो अवचेतन, जो हमारी स्थिति है ना, वो बिल्कुल अलग है। वहाँ पर हमारी आदतें चली जाए, वहाँ आदतें चल जाए। ये किस बात के लिए मैंने शुरू किया था कि कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है कि भाई ध्यान कैसे करना है, कि बस हम जागरूकता का विकास करेंगे और हर चीज़ को थोड़ा अवेयर होंगे। फिर विचारों को भी अलग कर देना है, और सारे विचार जहाँ अंत हो गए वहाँ पर ध्यान की स्थिति आ गई। ध्यानम निर्विषयम मनः, पूरी तरह से मन का निर्विषय हो जाना ध्यान है, बिल्कुल मौन और शांत। अब इसमें समय लगता है, ऐसा थोड़ी है कि एक दिन दो दिन का काम है। करते 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 एक जन्म लगे, दो जन्म लगे, क्या होगा? लेकिन इसका मतलब नहीं कि हम हारे हुए हों या हताश और निराश हों। अपना काम करना है, अपना काम करते चल रहा है। लेकिन असली चीज़ क्या है, मैं जो समझ रहा हूँ, ये ध्यान का लगना और न लगना ये आप पर निर्भर है, आप पर निर्भर है। अर्थात आपके जो पूरा स्ट्रक्चर है ना, सिस्टम है, ये करेक्ट हो जाए, और ये जब करेक्ट हो जाएगा तब तो ध्यान का जन्म होगा ही। और वो क्लियर होना चाहिए, मेरा सोचना कैसे हो, मेरा बोलना कैसे हो, मेरे एक्शन कैसे हो, रिलेशनशिप कैसे हो, क्योंकि रात दिन यही होना है आपके घर में। आप जितना ध्यान यहाँ कर पा रहे हैं, घर में तो करेंगे ही नहीं, लेकिन घर में आपको सारे कार्य व्यवहार करना है। वह कार्य व्यवहार कैसे संपादित हो, ऐसे थोड़ी अब काम के समय अब मेरा ध्यान कैसे बैठ गए आंखें बंद करके, ऐसे थोड़ी चलेगा। लेकिन वो कैसे हो? होशपूर्वक हो। आपके शब्द कैसे निकले, आप अपने घर वालों के लिए कैसे विचार रख रहे हैं, समझ रहे हैं ना? संबंधों, संबंध कैसे बनते हैं? वस्तुओं को देने से, वस्तुओं का आदान प्रदान से, या साथ रहने से? साथ रहने से संबंध नहीं बनते हैं, संबंध बनते हैं ऊर्जा के आदान प्रदान से। ऊर्जा के आदान प्रदान से आप सामने वाले या अपने जीवन साथी के लिए कौन सी ऊर्जा भेज रहे हैं, ट्रांसमिट कर रहे हैं, वो कौन सी ऊर्जा आपके तरफ भेज रहा है या भेज रही है, वो संबंध बनाते हैं। बहुत सारा सामान, बढ़िया कपड़े, बढ़िया गहने, बढ़िया खाने पीने की चीज़ दे दिए, लेकिन उनके प्रति मन में गलत विचार हैं, वो खराब है, ये ऐसा है, वैसा है, नफरत है। आपको क्या लगता है वो कपड़ा काम आएगा, वो गहने काम आएंगे? सोच क्या रहे हैं उनके प्रति, आपकी भावना कैसी है? यदि भावना विकृत है, संबंध है उसमें? वो मशीन की तरह है, बस एक मशीन वहाँ, एक मशीन यहाँ है, बस रोबोट की तरह काम कर रहे हैं, भावना तो है नहीं रोबोट में। हम मनुष्य हैं, मनुष्य हैं। इसको कहा जाता है ना रैशनल एनिमल, नहीं रैशनल नहीं है, इमोशनल एनिमल कहना चाहिए। मतलब बौद्धिक प्राणी नहीं है हम, भावनात्मक। आज की चर्चा ही है भाव शुद्धि, इसी पर कहना था मुझे। भाव शुद्धि, शरीर शुद्धि, विचार शुद्धि और अब भाव शुद्धि। और मैंने कहा था थोड़ा और डीप है ये भाव, भाव जगत, क्योंकि हम विचारों के तल पर नहीं बदल सकते हैं। विचारों के माध्यम से तो हमें पता ही होता है, हमें पता होता है कि क्रोध बुरा है, सोचते भी हैं क्रोध नहीं करूँगा, लेकिन जब क्रोध का अवसर आता है वो सारे विचार एक किनारे हो जाते हैं और आप क्रोध कर बैठते हैं। क्यों कर बैठते हैं? क्योंकि अभी भाव जगत में वर्क नहीं, वो काम नहीं हुआ है। और मैंने क्या कहा था, मन में तो पता है, लेकिन क्या अब कॉन्शियस जो सब कॉन्शियस माइंड है वो एक्टिव हुआ है क्या? वहाँ रीप्रोग्रामिंग कहते हैं इसको। क्रोध करना आप प्रोग्रामिंग हुई है आपके मोबाइल कहो या लैपटॉप कहो या डेस्कटॉप कहो, कंप्यूटर में बाहर जो है हार्डवेयर है, हार्डवेयर। लेकिन हार्डवेयर पर्याप्त नहीं है, उसमें क्या होता है ना, आज की भाषा है सॉफ्टवेयर। कौन सा लोड कर रहे हो, कैसा सॉफ्टवेयर है? वो जो हमारे जो मन है ना वो सॉफ्टवेयर है, और हमारा जो मस्तिष्क दिमाग है ना वो हार्डवेयर है पूरा। वो सॉफ्टवेयर ही गलत हो गया है, मतलब प्रोग्रामिंग ही गलत हो गई है। अब कब से हुई है? बचपने से हुई है। क्योंकि जब हमने होश संभाला, आप सब ने होश संभाला, तब से तो देख रहे हैं लोगों को। क्या देख रहे हैं? घर के लोग क्रोध कर रहे हैं, साथी क्रोध कर रहे हैं, छोटी छोटी बातें पर चिल्ला रहे हैं, निंदा कर रहे हैं, चुगली कर रहे हैं, चारों तरफ देख रहे हैं क्या हो रहा है। ऐसा करना चाहिए, और सब भीतर जाकर प्रवेश कर रहा है, सुन करके, देख करके, सब कुछ तो वही जा रहा है ना भीतर में। हमारी स्थिति कैसी है? हम वातावरण को सोख लेते हैं, सोख लेते हैं स्पंज की तरह, और वैसा सीख जाते हैं। वैसा करते करते आपके मित्र, जिन लोगों के साथ हर समय घूमते फिरते रहते बसते हैं, यदि वो उनके शब्दों में कटुता है या वो गलत शब्द बोलते हैं, अश्लील वाला शब्द बोल देते हैं, मतलब अपशब्दों का प्रयोग करते हैं, तो आप यदि 15 दिन, महीना, दिन, 2 महीना साथ साथ रहेंगे ना, आपको पता भी नहीं चलेगा आपका शब्द कैसे बदल गए, कैसे बदल गए। ये एक ऐसी ढंग है, और वो बचपने से रिकॉर्डिंग हो रही है। तो क्रोध करना हमने सीखा है, लोभ और मोह करना, द्वेष करना, घृणा करना, ये हम लोगों को देख देख कर प्रोग्रामिंग हो चुकी है। अब वो प्रोग्रामिंग गलत है, अब क्या करना है? रीप्रोग्राम, रीप्रोग्राम, अर्थात इस समझ के अनुसार कि सचमुच क्रोध नहीं करना है, सचमुच मोह नहीं करना है, अब उस सबकॉन्शियस माइंड तक रीप्रोग्रामिंग करनी है। ये तो बड़ा कठिन काम है, सरल थोड़ी है। अब इसका एक प्रोसेस है, सिस्टम होता है, लेकिन आज तो मैं सिस्टम बताने वाला नहीं हूँ। आज तो भाव शुद्धि की चर्चा होने वाली है। भाव शुद्धि, जो हमारा भाव है वो शुद्ध होना चाहिए। एक होता है शुद्ध भाव, दूसरा होता है अशुद्ध भाव। शुद्ध भाव, अशुद्ध भाव। एक दिन शुरू दिन ही साहब जी से सुने थे कि मैत्री, करुणा, मुदिता, उपेक्षणाम, इस पर सुने थे। भावनातस चित्त प्रसादनम, ये योगदर्शन का सूत्र, इस पर बात हो ही गई है। मैं बहुत थोड़े में कहूँगा इसको। मैत्री, करुणा, प्रमुदिता और उदासीनता की जगह, उपेक्षा की जगह हम एक शब्द लेते हैं कृतज्ञता, ग्रेटिट्यूड। ये भाव थोड़ा थोड़ा कहता हूँ इस चीज़ में। जो मैत्री का ये शुद्ध भाव, तो भी अशुद्ध भाव भी है। मैत्री का विपरीत क्या है? मैत्री का विपरीत है घृणा, वैर। करुणा के विपरीत में है हिंसा, क्रूरता, अदया। और प्रमुदिता या मुदिता, प्रफुल्लता के विपरीत में है उदासी, निराशा, चिंता, अवसाद और कृतज्ञता का विपरीत है अकृतज्ञता। एक शुद्ध भाव है, दूसरा अशुद्ध भाव है। अब हम अपने जीवन को झांकें, मैं मेरा जीवन किससे संचालित होता है? बैर से संचालित होता है या मैत्री से संचालित होता है? करुणा है या फिर घृणा है? क्या है? या फिर निर्दयता है, हिंसा है? प्रसन्नता है या फिर उदासी है, चिंता है, खिन्नता है? ये जरा देखने जैसा है। ये जो ध्यान दिया वह भाव जगत में परिवर्तन लाएगा। और एक बात की ध्यान रखना, ये जो अशुद्ध भाव है ना वो बहिर केंद्रित है, शुद्ध भाव अंतः केंद्रित है। अर्थात बाहर से वह कुछ हवा आती है, कुछ वहाँ से कुछ कारण बनता है और हमारा भीतर का चित्त अशुद्ध हो जाता है। जैसे मैंने कहा मैत्री, मैत्री को उल्टा क्या कहा? शत्रुता, वैर। तो शत्रुता बाहर से कोई होगा जिनसे आपको शत्रुता होगी, कोई है, वो उसके नाते वो शत्रुता का भाव यहाँ जगा, वो अशुद्ध है। लेकिन मैत्री का भाव किसी की ज़रूरत नहीं है, बस मैत्री का भाव है। और इसको और ढंग से कहते हैं प्रेम। एक ही बात है, प्रेम आपके अंदर से उद्भासित होता है, अंदर से, लेकिन घृणा बाहर से या वासना बाहर से। इसीलिए हमारी भारतीय परंपरा में प्रेम और वासना को अलग अलग, प्रेम और मोह को अलग अलग करते हैं। वो अलग अलग इसलिए किया जाता है, जिसे लोग प्रेम कहते हैं वस्तुतः वो प्रेम है ही नहीं है। प्रेम जो बाहर जिसके लिए निमित्त हो, कोई व्यक्ति चाहिए। जैसे कोई पूछते हैं ना कि प्रेम पूछो, प्रेम है, बहुत प्रेम करता हूँ। अच्छा, किससे प्रेम करते हो? वो क्या है? स्टेट ऑफ रिलेशनशिप। क्या दशा है? वो संबंधों का है फिर। लेकिन ये भाव जो है शुद्ध भाव, प्रेम क्या है? वो प्रेम है स्टेट ऑफ माइंड, मन की अवस्था, मन की अवस्था है वो। और वासना या क्रूरता या जो भी नाम ले लीजिए, जो भी अशुद्ध भाव हैं, बाहर से चित्त पर पड़ी हुई विकृति है ये। और जो शुद्ध भाव है या प्रेम है वो हमारे चित्त पर अंतस का विकास है। जिसने अपने अंतस को विकसित किया उसके चित्त का भाव शुद्ध रहता है, वो भीतर से आता है। इसलिए हमेशा ध्यान रखिए, आपको प्रेम करने के लिए किसी की ज़रूरत ही नहीं है। भीतर प्रेम का भाव बना सकते हैं, भीतर प्रेम। लेकिन दुश्मनी के लिए ख्याल करो, दुश्मनी के लिए कोई चाहिए, प्रेम के लिए किसी की ज़रूरत नहीं है, वो भीतर से ही आता है। इसीलिए जो बुद्ध और महावीर का हो, चाहे क्राइस्ट का हो, चाहे कबीर का नाम लो, वो उनके भीतर से प्रेम का झरना बहता था। वो करते नहीं थे, होता था उनसे, होता था उनके द्वारा से। इसलिए उनकी मजबूरी होती थी, प्रेम बहे, किसी कारण से नहीं होता था। संत ईसा क्राइस्ट, बहुत घनी धूप थी, दोपहर का समय था, एक पेड़ के नीचे विश्राम करने लगा। थके थे और बहुत तेज धूप थी, एक दरख्त के नीचे जाकर विश्राम कर रहे थे। और वो जो भवन था, वो जो बगीचा, वो एक वेश्या का था। वेश्या ने देखा कि एक पेड़ के नीचे, एक दरख्त के नीचे कोई विश्राम कर रहा है। और संत ईसा का सौंदर्य, उनका स्वास्थ्य बड़ा अद्भुत लगा उनको। बहुत से सुंदर पुरुष देखे थे, बहुत से स्वस्थ लोगों को देखे थे, लेकिन ईसा का सौंदर्य, ईसा का स्वास्थ्य कुछ और था। वह वो खींचती चली गई अनचाहे। उनको पता ही नहीं चला, वो आकर्षित होकर वहाँ तक कैसे पहुँच गई। और जैसे पहुँचती है उनके आहट से संत ईसा की आंखें खुली। देखा, उन्होंने कहा इस दरख्त की, इस पेड़ की छाया के लिए धन्यवाद, विश्राम किया और अब मुझे जाना है, रास्ता लंबा है। वेश्या ने कहा दो क्षण रुकिए, आप मेरे भवन में पधारिए, मेरे घर पधारिए। और ये पहली बार है जो मैं किसी को आमंत्रित कर रही हूँ, ये पहली बार है जो मैं किसी की आमंत्रित कर रही हूँ। लोग आते हैं मेरे द्वार पर और लौटा दिए जाते हैं। आज पहली बार जीवन में मैं किसी को अपने घर आमंत्रित कर रही हूँ। संत ईसा ने कहा तुमने कहा, समझो मैं आ गया, दूर का रास्ता है, दूर जाना है, मुझे जाने दो। क्या कहा? बस तुमने कहा समझो मैं आ गया। उसने कहा कि नहीं, आप यदि मेरे घर में नहीं पधारेंगे तो मेरे मन को अपमान होगा। और क्या आप इतना भी प्रेम नहीं दिखा सकेंगे कि दो क्षण के लिए मेरे घर में जा सकें, भवन में जा सकें? उसके बाद जो संत ईसा ने कहा ना, मैं अकेला आदमी हूँ जो तुम्हें प्रेम कर सकता है। और लोग आते थे, वो प्रेम नहीं करते थे, वो तुम्हारे कारण आते थे, वो प्रेम नहीं करते थे। मैं हूँ जो प्रेम कर सकता है, क्योंकि संत ईसा के मन में किसी के लिए बैर था ही नहीं, वही एक अकेला, क्योंकि वो दिल से निकल रहा था, हृदय से। बाकी लोग आते थे सौंदर्य को देखकर, देह को देखकर, लेकिन ईसा नहीं, वो कुछ अलग ही लेवल था। वैसे ही बुद्ध, वैसे ही महावीर, वैसे ही कबीर। बुद्ध ने, महावीर ने कहा है मित्ति में सब भूवेशु वैरम मंझने के वही, सब के प्रति मित्रता, किसी के प्रति बैर नहीं। सोचो कितनी उस पर उनके कान पर कील ठोके गए, कितना उनको सताया गया, कितना अपमान किया गया। क्या शब्द कहते हैं? मित्ति में सब भूवेशु, सब के प्रति मित्रता, बैरम मंज न केवई, किसी के लिए बैर नहीं है मेरे मन में। सदगुरु कबीर ने क्या कहा? सब जीवन से निर्बैर रहे साधु मता है सार, ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित हो। वो चुनौती दे दिए, ये पोथी पढ़ने वाले प्रेम थोड़ी करते हैं, प्रेम हो जाएगा ना। अब बताए ना, प्रेम का मतलब कोई व्यक्ति नहीं चाहिए फिर आपको, वो अंदर का भाव है, भाव जगत, भीतर से सब के प्रति प्रेम और मैत्री का भाव। वो कब होगा? जब वैर ना हो, कपट ना हो, हिंसा ना हो, तब वो भाव जगता है। तो मैंने कहा ना, शुद्ध भाव भीतर से, अशुद्ध भाव बाहर से। कैसे? एक छोटी सी बात कहूँ फिर विराम लेता हूँ। जैसे मैं रास्ते जा रहा हूँ, किसी ने मुझे गाली दी, कटु कहा और मैं क्रोधित हो गया। जो क्रोधित हुआ ना, वो क्या है? अशुद्ध भाव, क्योंकि किसी के द्वारा हुआ, गाली दिया और मैं क्रोधित हुआ। तो जो मेरा क्रोधित होना क्या हो गया? वो अशुद्ध भाव है, क्योंकि उसके लिए कारण दूसरा बना। और कि रास्ते गया और किसी ने मेरी प्रशंसा की और मैं आनंदित हो गया, प्रसन्न हो गया। तो जो प्रसन्नता है ना, वो भी अशुद्ध भाव है। अशुद्ध भाव क्यों है? क्योंकि मेरा आदर उसके लिए बाहर कारण है। लेकिन यदि मैं रास्ते जा रहा हूँ, किसी ने गाली दी, किसी ने प्रशंसा की, तो मेरी दशा वैसे जो गाली देने के पहले और प्रशंसा करने के पहले थी, वैसे ही बनी रही। वो शुद्ध भाव है, अर्थात न गाली मेरे लिए निमित्त बने, न प्रशंसा मेरे लिए निमित्त बने। यदि वो निमित्त बनते हैं, और मैं क्या किया? रिएक्शन किया, वहाँ से एक्शन और मैंने क्या? रिएक्शन किया, है ना? वो शुद्ध भाव नहीं है। शुद्ध भाव है उनके गाली के आने पर, उनकी प्रशंसा के आने पर भी मैं वही हूँ उसके पहले जैसा था। वो असली चीज़ है। उस समय मैं शांत था, अब भी क्या शांत हूँ। वो शांति, वो प्रेम का भाव, वो शुद्ध भाव है। अब ये साधना सोचो, अब ये परिवर्तन करना, अब चित्त शुद्धि होगी। अब ये जो मैं शुरू में क्या कहा था, परिधि की साधना, परिधि की साधना कौन कौन सी, शरीर शुद्धि, विचार शुद्धि, फिर भाव शुद्धि। ये करते करते हम आगे बढ़ते हैं साधना में। फिर उसके पश्चात में केंद्र की साधना, केंद्र की साधना, फिर विचार शून्यता, मतलब शरीर शून्यता, ऐसा निरीक्षण कि शरीर मानो है ही नहीं। फिर विचार शून्यता, पूरी तरह से निरीक्षण करके विचारों से शून्य। फिर भाव शून्यता, ये निरीक्षण करके होगा, ये भी एक ढंग है इसका करने का। लेकिन बहुत, अब इस सारी चीज़ें बहुत विस्तार की आवश्यकता होती है, थोड़े थोड़े समझें तो भी। लेकिन अभी भाव शुद्धि को समझें कि हमारे मन में किसी के प्रति नफरत हो, घृणा हो, ईर्ष्या हो, क्या साधना की ऊंचाई पर उठ सकते हैं? कभी नहीं उठ सकते हैं। किसी के लिए दुख देने का भाव जगा, अशुभ सोचा, मन विकृत हो जाएगा। इतना प्योरिटी की ज़रूरत है, इतनी पवित्रता की ज़रूरत है भीतर से कि बिल्कुल खाली सो जाए, खाली। और ये साधना, अच्छा एक बात और बताऊं, ये जो मैत्री की साधना, इसके लिए बहुत अवसर नहीं मिलते हैं। वैर के लिए बहुत अवसर मिलते हैं, प्रेम के अवसर कम मिलते हैं, दुश्मनी के अवसर बहुत मिलते हैं, और इसीलिए बढ़ते चले जाते हैं। और प्रेम और मैत्री तो साधना से विकसित होती है, ये अपने आप नहीं होती है। घृणा तो आप कुछ देखे बस, घृणा किसी की गलती देखे बस उनके प्रति भाव बदल गया, किसी ने कुछ कहा बस उनके प्रति दुश्मनी जग गई, घृणा जग गई, नफरत जग गई। लेकिन प्रेम का भाव जगाना, मैत्री का भाव जगाना, करुणा का भाव जगाना, ये बड़ा समय लगता है। और एक अंतिम जो बात है वो है कृतज्ञता, कृतज्ञता, ग्रेटिट्यूड। ये कैसे प्रेम और मैत्री को विकसित करें, कैसे कृतज्ञता का भाव को विकसित करें, ये हम 11 बजे के बाद चलेगा, आधा घंटा ध्यान करते हैं, फिर जो सेकंड पार्ट है समझते हैं। और ये क्या मैंने कहा ना, ये साधना से विकसित होती है, तो कैसे साधें उसको, है ना। ये तो समझ तो गए कि होना चाहिए, वो कैसे साधें, थोड़ा सा इस सिस्टम को समझेंगे। इस समय थोड़ा सा ध्यान करें सभी लोग।